सोलन में बिजली के कटों से लोग बेहद परेशान हैं। आए दिन सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली विभाग घोषित कट लगा रहा है, तो कभी बिना बोले भी अघोषित कट लग रहे हैं। बिजली के घोषित और अघोषित कटों की वजह से शहर में व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है, वहीं दिनचर्या भी प्रभावित हो रहे हैं। सोलन में बिजली बोर्ड बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च जरूर रहा है, लेकिन धरातल पे ये कुछ नजर नहीं आ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में 5 वर्षों में ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं, शहर में तारों को बदला जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कट्टों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। थोड़ी सी हवा चलने और बारिश होने से कट लग जाते हैं। इस कुव्यवस्था से सोलन शहरवासी बेहद परेशान है। रोष प्रकट करते हुए सोलन शहरवासियों ने बताया कि बिजली के घोषित और अघोषित कटों से शहरवासी बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि एक ओर जहां कोविड के चलते व्यवसाय में मंदी चल रही है, तो वहीं अब बचा खुचा व्यवसाय बिजली के कटों ने बर्बाद कर दिया है। उन्होंने बताया कि आजकल बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, तो बिजली के कटों से वे कक्षाएं भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के कटों का असर सबसे ज्यादा डेली नीड्स की दुकानों पर पड़ रहा है, क्योंकि उनका सामान भी अब कटों के कारण खराब हो रहा है। इसलिए वे सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था को ठीक किया जाए, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। जैसे जैसे सर्दी अभी शुरू ही हुई है, ना आंधी है ना तूफान है, ना कहीं पेड़ गिर रहे हैं ना कहीं तारे टूट रही हैं, उसके बावजूद बिजली डिपार्टमेंट का इतना बुरा हाल है, ये समझ से परे है। नंबर दो, अब आपको जिस तरह से मालूम है आजकल एग्जाम चले हुए हैं, बच्चे वर्चुअल से पेपर दे रहे हैं, ना उनके मोबाइल चार्ज हो रहे हैं, किस तरह से पेपर देंगे वो। ये बिजली डिपार्टमेंट जो है ये बहुत ही कायरतापूर्ण काम कर रहा है। जब कर इतनी बिजली हम उत्पादन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, हम दूसरों को बिजली दे रहे हैं, उसके बावजूद इतना बुरा हाल डिपार्टमेंट का। मुझे एक बात का समझ नहीं आ रही है भी, अगर इन्होंने कोई चीजें रिपेयर करनी होती हैं या रिपेयरिंग की है, तो पब्लिक को बिना सूचना दिए ये लोग कट लगा देते हैं। इससे आम पब्लिक तो परेशान हो ही रही है, बिजनेस ठप हो चुका है बिजली के बिना। दूसरा, बच्चे पेपर कैसे देंगे, कोरोना का टाइम चला हुआ है, इस कोरोना के काल के अंदर इस प्रकार का बिजली व्यवहार, बिजली डिपार्टमेंट का व्यवहार जो है ये काबिले तारीफ नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सोलन बहुत ही परेशानियां पैदा कर रहा है। दिन में कई बार लाइट वापस चली जाती है और कई बार तो पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती। इसका नुकसान व्यापारियों को तो है ही, और खासकर डेली नीड्स कॉर्नर को ज़्यादा नुकसान है कि हमारे फ्रिज बंद हो जाते हैं सारे, और जिससे हमें नुकसान होता है, हमारा माल भी खराब होता है। इसके अलावा स्कूल के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत है जिन्होंने पेपर देने हैं। अब लाइट नहीं होगी, वो पेपर कैसे देगा? हमारे मोबाइल में या हमारे लैपटॉप में तो 1 घंटे की लाइट बैटरी है या आधे घंटे की बैटरी है, 2 घंटे की बैटरी है, और लाइट 4 4 घंटे 5 5 घंटे नहीं आएगी तो बच्चे पेपर देने में भी असमर्थ होंगे। तो मेरी तो सरकार से प्रार्थना रहेगी कि लाइट को प्रॉपर ढंग से चलाया जाए, या स्कूल के बच्चों के पेपर तब लिए जाएं जब आपकी लाइट ठीक हो।